सीतामढ़ी में बंधन बैंक में फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने हथियार के दम पर लूटपाट का अंजाम। बिहार के सीतामढ़ी जिला में बैंक की लूट की बड़ी घटना बदमाशों ने अंजाम दिया है। बदमाशों ने डुमरा थाना क्षेत्र के सिमरा स्थित बंधन बैंक की शाखा से करीब 10 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। इधर घटना की सूचना पर एसपी मनोज कुमार, सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार समेत डुमरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 4 की संख्या में बदमाशों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से लुटेरे की तस्वीर को निकाला है। बता दें कि लुटेरे द्वारा बैंक में प्रवेश कर कर्मियों को बंधक बनाकर काउंटर में रखे करीबन 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए हैं। सूचना पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सत्यम कुमार की रिपोर्ट सीतामढ़ी से। जिसमें 10 लाख रुपया लूटने का मामला सामने आया है। नहीं, जैसे ही हम लोग को जानकारी मिली, हम लोग आए हैं, हर तरह से इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। घटना हुई है, अब घटना के संबंध में हम लोग विस्तृत अभी छानबीन कर रहे हैं। जल्द से जल्द जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। सर, कितनी की रकम है? 10 लाख की बता रहे हैं, अभी ये लोग फाइनल नहीं किए, लेकिन 10 के आसपास की बता रहे हैं। तो हम लोग हर बिंदु पे इसमें छानबीन कर रहे हैं। कितने लोग लुटेरे की कितनी संख्या रही? सीसीटीवी फुटेज में तो 3 दिख रहा है, बाकी अब हम लोग उसमें वेरीफाई करें।